Hello traders, so welcome to the stock pick session for tomorrow, that is 22nd of June 2020. So पहले बात करते हैं कल के लिए जो मैंने चार स्टॉक सेलेक्ट किया है, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि जो पिछले दिन के स्टॉक्स थे उसका क्या हुआ. तो कल के लिए जो पहला स्टॉक है वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, और हम लोग यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में. तो देखिए, पहले जब भी मैं चार्ट ओपन करता था तो उसमें मेरा जो ट्रेंड लाइंस है और जो भी मेरा एनालिसिस था वो पहले से बना रहता था. बट अब से मैं क्या करूँगा कि मैं अभी आप नेकेड चार्ट पे आपके सामने वो बनाऊँगा जो भी मेरा एनालिसिस है, ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे करना है, ताकि आप सीख पाओ. तो देखिए, हम लोग कोई भी एक स्टॉक पे ट्रेड करने के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रीजंस की ज़रूरत है. तो हम लोग यहाँ पे रीजंस ढूंढेंगे ग्रासिम में ट्रेड करने के लिए कल. तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न नंबर वन है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बहुत नीचे से यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैच करने की कोशिश करूँगा. देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे वैलिड यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैच किया और यहाँ पे मैच किया और यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे अभी मैच कर रहा है. ठीक है, अब देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे कि मैं ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाया, यहाँ पे तो फेल हो गया ट्रेंड लाइन, यहाँ भी फेल हो गया. तो देखिए, ट्रेंड लाइन जो है वो आप कभी भी एक लाइन जैसा मत सोचिए कभी भी. आप हमेशा ट्रेंड लाइन को एक ट्रेंड एरिया के जैसा सोचिए. तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं इवन इफ मेरे चार्ट में नहीं रहता बट मैं एक ही लाइन बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ट्रेंड लाइन के थोड़े नीचे जाने से भी वो इनवैलिड नहीं हुआ है. क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली करना क्या है. आप जब भी ट्रेंड लाइन एक बना रहे हो, उसको कॉपी करके उसके नीचे जो बाहर वाला एरिया है वहाँ भी ट्रेंड लाइन को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि वो जो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है. तो देखिए, ट्रेंड लाइन तोड़ के भी नीचे आया और यहाँ पर बाउंस कर गया फाइनली. अब यहाँ भी देखिए, ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आया बट यहाँ पर बाउंस कर गया. तो आप उसके इसलिए आप दो दो ट्रेंड लाइन बना दीजिए, ताकि आप कभी वैसा आपको फॉल्स ब्रेकआउट का वो फीलिंग ना आए कभी. इसलिए मैं हमेशा दो बनाता हूँ. तो ये अभी अगर आप देखोगे तो ये अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है जस्ट. तो वो हमारा पहला रीज़न हो गया यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट रीज़न. और अगर आप यहाँ पे सेकेंड रीज़न देखते हो, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. ये देखिए, यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस का एरिया दिख रहा होगा. ठीक है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ये एक एरिया है रेजिस्टेंस का. मैं आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ. देखिए, यहाँ पे प्राइस इसको तोड़ने की कोशिश किया, एक दो तीसरी बार में सक्सेसफुल हुआ, और फिर वहीं पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर नहीं जा पाया करके फिर तोड़ के वापस आ गया. और अभी एक दो और ये तीसरी बार यहाँ पे कंटिन्यू ये यहाँ पे ट्राई कर रहा है इसको तोड़ने का. तो जैसे कि हम बोलते हैं, रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट, फिर सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस. बट अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये धीरे धीरे हायर हाई बना रहा है और ये रेजिस्टेंस को बार बार कोशिश कर रहा है तोड़ने का. देखिए, तो अब इसके पास और जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटा सा ट्राइंगल पैटर्न जैसा बन रहा है. अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न जैसा बन रहा है. तो अब ये इसे पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो अब इसके पास और जगह नहीं है. नहीं तो फिर या तो ऊपर से ये फट के निकलेगा, नहीं तो फिर यहाँ नीचे की तरफ फट के निकलेगा. क्योंकि ये अभी एक बुलिश स्टॉक है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर की तरफ ही फट के निकले. अब ये हो गया इसका सेकेंड नंबर पॉइंट. ठीक है, तो अब मैं इसमें इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको थर्ड भी बता पाऊँ. तो ये थर्ड रीज़न जो इसको ट्रेड करने के लिए, जो मैं आपको कुछ एनालिसिस कुछ एक दो हफ्ते से जो मैं हर ट्रेड में आपको बता रहा हूँ, वो है ये जो बैरिश ट्रेंड लाइन होता है उसको जब भी ये तोड़ता है. देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये कोशिश कर रहा है ये बैरिश ट्रेंड लाइन को तोड़ने का, यहाँ पे कोशिश. और उसके बाद देखिए, यहाँ तोड़ के मुझे लग रहा है यहाँ पे जो ये जो ग्रीन कैंडल आया वो इस बैरिश ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर आ चुका है. तो अब मुझे लग रहा है ये यहाँ से एक जंप लेना चाहिए ऊपर की तरफ ग्रासिम कल जब ओपन होता है. तो क्योंकि अभी तक इसने जितना अभी निफ्टी मूव किया और बाकी सब स्टॉक्स मूव किए, तो इसमें वो मूव अभी तक आया नहीं है, तो मूव पेंडिंग है. तो मुझे लग रहा है वो मूव कल आना चाहिए. तो उसके लिए लेवल्स देख लेते हैं. लेवल्स बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने लास्ट 1.5 डेज ऑलमोस्ट, यस, ये 18 जून से ये जो लेवल है वो अपना ये लेवल तोड़ नहीं पा रहा है. तो दैट मीन्स जैसे ही प्राइस अराउंड 602 के ऊपर निकलता है, अराउंड 602 के ऊपर निकलता है, क्योंकि 600 एक साइकोलॉजिकल प्राइस भी है. तो जैसे ही ये प्राइस ऊपर की तरफ पार करेगा तो बायर्स को कॉन्फिडेंस आएगा और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया है.
तो इसलिए उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप आराम से 614 का ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है जो शायद अगला रेजिस्टेंस बन जाए। तो अराउंड 614 के लिए आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, और उसके बाद अगर ये अपना ये रेजिस्टेंस भी तोड़ पाया तो ये इसके ऊपर तक चला जाएगा, दैट इज 626। ओके 626, तो 602 होगा हमारा एंट्री लेवल, तो यहाँ एंटर करना ज़रूरी है। और जैसे ही आप 602 पे एंट्री करते हो तो आप यहाँ पे अराउंड 597-598 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। 600 पे मत लगाइएगा क्योंकि वो राउंड फिगर है और वहाँ पे शायद वापस रीटेस्ट करने आ सकता है। अगर आप 602 पे एंट्री मार रहे हो तो अराउंड 598 पे लगा दीजिएगा अपना स्टॉप लॉस। ओके तो ये हो गया ग्रासिम का एनालिसिस। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे पास है वो है टॉरेंट पावर। ओके तो देखते हैं टॉरेंट पावर में क्या हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन है क्या जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके तो अगर कोशिश करेंगे सब जोड़ने का तो यहाँ से देखिए यहाँ भी सॉरी अगर मैं यहाँ से सब जोड़ू तो ओके देखिए ये मुझे काफ़ी वैलिड दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ भी अपने को बाउंस मिला, यहाँ 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 भी देखिए दो जो लास्ट कैंडल आया उसमें भी हम लोग को यही ट्रेंड लाइन से बाउंस मिला, यहाँ बाउंस मिला और अभी ट्रेंड लाइन पे ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ट्रेंड लाइन जब भी बना रहे हैं तो उसका जो एक्सटेंशन है उसको भी मार्क कर लीजिएगा। दैट मीन्स मैं इसे कंट्रोल से कंट्रोल भी करके नीचे देखिए मेरा लिमिट यहाँ तक है, मतलब मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, इसलिए मैं सेकेंड ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना दिया अपने सेफ्टी के लिए, ताकि मुझे फॉल्स ब्रेकआउट वाला फील ना आए करके ये सेकेंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे सेंटर दे दिया। तो ये हो गया पहला रीज़न, ये अपने ट्रेंड लाइन पे है अभी जहाँ से उसको पहले बाउंसेस मिल चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्ट किए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो करके इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, ये यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ कंटिन्यू ये ऐसे बार बार इसे नॉक करता जा रहा है। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीक हो गया है, मुझे यहाँ तक लगता है ये बेरिश ट्रेंड लाइन, तो अब इसे तोड़ के निकलने की बहुत ज़रूरत है। और आपको दिख रहा है क्लियरली कि नीचे की तरफ अच्छा बाइंग सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली अगर यहाँ से एक लाइन बना दूँ यहाँ तक, दिख रहा है ये एक ट्रायंगल पैटर्न, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है नीचे की तरफ बहुत अच्छा बाइंग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ सेलिंग तो है, वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी दिनों से बेरिश एक मूवमेंट में था, तो मुझे लग रहा है अब बिकॉज निफ्टी अपना 10,000 क्रॉस कर चुका है वो जो मूवमेंट है वो इसमें अभी तक आया नहीं है, तो वो मूव इसमें भी पेंडिंग है। तो कल इसमें एक अच्छा मूव हम लोग कल ऊपर की तरफ देख सकते हैं, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि ये अपने लास्ट 4 घंटे या 5 घंटे का हाई तोड़े, जो कि ऑलमोस्ट एक ही लाइन पे आप देख सकते हैं क्लियरली। तो उसके लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे 323 आपका एंट्री सिग्नल रहेगा, 323 आपका एंट्री रहेगा यहाँ पे, 323 जैसी क्रॉस होता है। और जो फर्स्ट टारगेट हम लोग का बनेगा 323 के बाद, एक मिनट, ओके फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ये टॉप जो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 330, ओके 330, तो यहाँ 323 के बाद फर्स्ट हम लोग का 330 बनेगा फर्स्ट टारगेट। और अगर उसके बाद भी बुलिश है तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल एक स्टॉक है, क्योंकि जब भी मूव देता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है। आप यहाँ देख सकते हैं ऐसा ऐसा कैंडल्स आता है जब भी ये अच्छा मूव देता है, तो देखिए यहाँ भी जब भी ब्रेकआउट्स देता है ये अच्छा ब्रेकआउट देता है, बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे देखिए एक रेंज पे था वहाँ से ब्रेकआउट निकला तो कितना बड़ा कैंडल आया, तो इसलिए कल अगर फर्स्ट कैंडल बहुत बुलिश होता है तो उसके बाद आप ट्रेड ना करें, क्योंकि ये नॉर्मली अपने फर्स्ट कैंडल पे ही सबसे बड़ा ब्रेकआउट देके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देता है, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाता है।
तो इसलिए कल आप इस पे ट्रेड कर रहे हो तो इस पे फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड कीजिएगा। जो ब्रेकआउट होगा वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा और उसी में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो हो सकता है ये 330 के ऊपर भी और आगे फॉलो करे, बट वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप उसको फॉलो करना है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टॉक। और जो थर्ड स्टॉक मेरे पास है वो है टेक महिंद्रा। तो आप अगर नोटिस करोगे तो मैं वो सारे स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें अभी तक भी वो बुलिश मूवमेंट आया नहीं जो निफ्टी में ऑलरेडी आ गया और निफ्टी के बाकी स्टॉक्स में भी आ गया, बैंक निफ्टी में भी आ गया, लेकिन ये सारे स्टॉक्स जो डाउनग्रेडेड थे वो अभी बड़ा मूव देने के चांस है। तो देखिए यहाँ पे टेक महिंद्रा है हमारे पास, यहाँ पे जो थर्ड स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है। टेक महिंद्रा में भी एक बैरिश ट्रेंड लाइन था, अगर आप ठीक से देखोगे तो मैं यहाँ पे बैरिश ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे नीचे में भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल गया है लास्ट में, लास्ट 2 दिनों से ये अपने सपोर्ट को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अ छोटा ट्रायंगल बन गया और ये अपना ये जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये जो वॉल्यूम यहाँ पे आया ये मुझे काफ़ी वैलिड लगता है, ये सीधा ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए बाहर आया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कल टेक महिंद्रा में वो जो फाइनल मूव जो पेंडिंग मूव है वो टेक महिंद्रा में ज़रूर आएगा। और जैसे कि आपको पता है बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसका फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि कैसे ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि आपको खुद वहाँ पे एक लाइन दिख जा रहा है। तो मतलब ट्रेंड लाइन यहाँ पे काम कर रहा है और ये सपोर्ट या रेस्पेक्ट करता है ट्रेंड लाइन को, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे ही टेक महिंद्रा में ये जो हाई है जो यहाँ पे लास्ट टाइम तोड़ नहीं पाया वो टूटता है तो हम लोग को एंट्री लेना है अराउंड 545 पे, 544 545, ओके 545 ले लेते हैं। 545 पे जैसे ही ये एंट्री करता है मतलब ऊपर जाता है तो हम एंट्री ले लेंगे 545 पे। और जो फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा वो यहाँ पे जो गैप है वो फिलिंग की तरफ जा सकता है, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ अराउंड 560, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा 560 बनेगा। और अगर गैप को भी ओवरकम करता है तो पक्के से उसके ऊपर वाले पार्ट में पहुंच जाएगा, दैट इज 570। तो ये भी एक अच्छा कल के लिए बुलिश कैंडिडेट है जिसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये भी जब ब्रेकआउट देता है, आपको याद होगा लास्ट वीक भी मैं एक बार टेक महिंद्रा में आपको ये स्टॉक दिया था जब यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था, काफ़ी पुराना ट्रायंगल बना हुआ था वहाँ से ये निकला। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कल भी फर्स्ट कैंडल पे ही कोशिश कीजिए अपना ट्रेड खत्म कर लेने का। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक दैट इज टेक महिंद्रा। और जो मेरा फोर्थ स्टॉक है वो है येस बैंक। मैं जनरली 100 रुपीज़ से नीचे वाले स्टॉक्स कभी देता नहीं, बट बिकॉज इसमें वो मूव नहीं आया जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में आ चुका है, इसलिए जस्ट उसी के लिए मैं ये स्टॉक सेलेक्ट किया हूँ। और इसका भी प्राइम रीज़न यही है, एक तो देखते हैं कि इसमें कोई ट्रेंड लाइन है क्या जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे यस ये एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऐसा बना भी दूँ, ठीक है, अगर मैं समझ लीजिए यहाँ पे बना दूँ तो फिर भी ये ट्रेंड लाइन को कॉपी करके मुझे नीचे में इसका रेंज देना है। तो देखिए ये इसका रेंज है यहाँ पे और ये अपने रेंज के ट्रेंड लाइन पे आके लास्ट में यहाँ वेट कर गया। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अप मूव आ सकता है, क्योंकि देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बैरिश ट्रेंड लाइन था जिसको ये ऑलमोस्ट तोड़ के निकल चुका है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे क्लियर एक अच्छा सपोर्ट नीचे की तरफ है। तो अगर ये कल के दिन देखते हैं यहाँ पे लेवल्स, क्योंकि बहुत छोटा कंसोलिडेशन हुआ है, अगर आप देखोगे फ्राइडे को देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत छोटे एरिया पे कंसोलिडेट किया है यस बैंक, अराउंड लास्ट 2 डेज़ का कंसोलिडेशन है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है एक बड़ा मूव हो, अगर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है तो मैं इसमें ट्रेड करूँगा क्योंकि मेरा कन्विक्शन ऊपर की तरफ है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि यस बैंक अपना लास्ट इतने दिनों का, देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है ये अपना ये हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम 17th of June, मतलब अराउंड 2-3 दिन का वो हाई है। तो जैसे ही अपना 28.5 भी नहीं 28.3 को तोड़ता है और आपको बुलिश कैंडल दिखता है तो फिर आप इसे बाई कीजिए और अपना स्टॉप लॉस एकदम छोटा रखिएगा। 28.3 पे एंट्री कर रहे हो तो 28.28 को स्टॉप लॉस रखिए, मतलब 0.3 रुपीज़,
0.3 रुपीज़ को स्टॉप लॉस रखना सिर्फ, क्योंकि एक छोटा स्टॉक है और इसमें आपको बड़े क्वांटिटी में बाई करना पड़ेगा, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है इसमें 0.3 का, अराउंड 28 रुपीज़ में अपना स्टॉप लॉस रख देना। और जो फर्स्ट टारगेट हम लोग का रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 29.5। यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो ये जो प्राइस है अराउंड 29.8 आ रहा है, बट 29.5 हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा क्योंकि वो काफ़ी ऊपर है। तो 29.5 आपको लग रहा है कि ये तो बहुत छोटा, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आप जब स्टॉक के रेट के हिसाब से आप देखोगे तो ये एक अराउंड 4% का मूव है। ओके, तो इसलिए ये एक छोटा स्टॉक है, आप इसे बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी वोलाटाइल हो जाए कल। लेकिन मुझे यहाँ पे पर्सनली कन्विक्शन है कि ये शायद कल एक अच्छा मूव दे, जैसे ये 28.3 तोड़ता है तो। ओके, तो ये हो गया वो स्टॉक्स जो हम लोग कल के लिए देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो स्टॉक्स मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिया था, दैट इज फ्राइडे, तो वो है टाटा कंज्यूमर। ओके, देखिए टाटा कंज्यूमर में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये अपना बुलिश मूव दे चुका है यहाँ तक, और ये अपना ये जो बैरिश ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके निकला था, तो देखिए उस दिन बराबर ये बाहर निकला 2 कैंडल्स में, और उसके बाद थोड़ा सा रिवर्स करके थोड़ा सा करेक्शन हुआ, और उसके बाद फिर से अपना टॉप छूने गया। तो मैं उस दिन आपको टारगेट्स क्लियरली दिया था अराउंड 380 का, और वो उस दिन ऑलमोस्ट अचीव हो गया यहाँ पे 380 का। तो ये यहाँ पे जो बड़ा सा एक विक आया है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हो सकता है ये अपना पुराना वैल्यू एरिया को शायद यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा हो अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये विक एक बड़ा कंसर्न है। तो फिर अब मंडे के मूव के हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें और आगे कुछ ट्रेड करना है कि नहीं, और अगर आगे कुछ इसमें ट्रेड बनता है तो मैं आपको पक्के इसको मैं बताऊंगा आपके मेरे स्टॉक पिक्स में। और जो नेक्स्ट स्टॉक था वो था जुबिलेंट फूड, उसमें भी हम लोग का टारगेट अचीव हुआ। मुझे क्लियरली याद है यहाँ पे जुबिलेंट फूड यहाँ से जंप करके यहाँ पे बाउंस लिया था, मैं आपको बोला था, और मैं ये भी बोला था कि जैसे ये अपना ये जो हाई तोड़ता है 1674, तो ये अपना टॉप जैकेट टेस्ट करेगा और पहले अपना POC टेस्ट करेगा, तो ये दोनों ही टेस्ट किया यहाँ पे, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दोनों हम लोग का उस दिन अचीव हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब एक बार एंट्री ले लेते हैं तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए, क्योंकि देखिए उस दिन मूव वोलाटाइल आया था, काफ़ी ऊपर भी गया और यहाँ पे नीचे भी थोड़ा सा आया, तो कम से कम अपने जो ये जो क्लोजिंग प्राइस है उससे थोड़ा नीचे अपना प्राइस रखिएगा, अराउंड 1% तो मिनिमम रखिए, रखने का कोशिश कीजिए, 0.7% जो भी स्टॉक का रेट है। तो जैसे कि अगर 1684 का स्टॉक है तो एटलीस्ट 10 रुपीज़ तो आपको रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स में अभी भी हम लोग नेक्स्ट अभी फिर से बाउंस का वेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये छोटे एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड में एक बड़ा मूव शायद बचा है, लेकिन अभी फिलहाल तो कल के लिए मुझे इसमें कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। और जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं दिया था वो था एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में आपको बोला था कि इसे हम लोग सेलिंग के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था वो यहाँ पे 2 बार रिजेक्ट हो गया विद अच्छे वॉल्यूम, सो इसलिए मैं बोला था कि यहाँ से नीचे सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करना, बट उस दिन क्या हुआ, ओपनिंग में एक बड़ा कैंडल आया जो कि वो बेयरिश ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ पे बराबर बाउंस भी लिया। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि स्विंग ट्रेड करे तो ये बहुत ही अच्छा एक एक स्टॉक है अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट अपने बहुत दिनों का ये जो बेयरिश ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ के ये बाहर निकला और यहाँ पे बाउंस भी दिया है, तो ये एक वैलिड है। कल जैसे ये लोस तोड़ता, ये हाईस तोड़ता है, तो ये अच्छे मूवमेंट्स ऊपर की तरफ दे सकता है, तो इसे आप अपने स्विंग ट्रेड्स के लिए ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और एक जो स्टॉक था वो था बायोकॉन। बायोकॉन में मैं यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बोला था क्लियरली कि बायोकॉन यहाँ से ऊपर जंप लिया और फिर यहाँ पे आके अपने रेजिस्टेंस में सपोर्ट लिया, तो मुझे लगा था ये ऊपर चला जाएगा, तो मैंने आपको ये एंट्री लेवल दिया था, यस 396 अराउंड मैं आपको एंट्री लेवल दिया था, और ये जस्ट अपने एंट्री के ऊपर ट्रिगर करके अपना जाके नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो ये एक फेक ब्रेकआउट था सॉर्ट ऑफ, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आप अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और ऊपर जाएगा, उसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक वैसा ही करेगा। स्टॉक वही करेगा जो वो करना चाहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट को नहीं मूव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलके मूव कर रहे हैं, तो हम लोग को कभी उसका मूवमेंट करेक्टली नहीं पता चलेगा। तो अभी यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये अपने लास्ट में आके अपने सपोर्ट पे आ गया है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है, अगर आप देखोगे तो अब ये अपने सपोर्ट में आ गया। तो मुझे लग रहा है अब ये शायद फिर से यहाँ पे अपना ये जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करने जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो बायोकॉन पे फिर से ट्रेड कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा मूव है जो पेंडिंग है। तो ये कल आएगा कि बाद में आएगा पता नहीं, ये लेकिन आप इसको देखिएगा। देखिए मैं जो कभी भी आपको स्टॉक देता हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि वो स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है और मुझे लगता है कोई मूव आएगा, इसलिए मैं आपको स्टॉक देता हूँ। तो उसका ये मतलब एकदम भी नहीं है कि वो अगले दिन ही आ जाए। तो हो सकता है वो स्टॉक जो है वो मूवमेंट शायद एक दिन बाद दे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे अच्छे से याद है मैंने आपको थर्सडे में पिरामल इंटरप्राइज दिया था और मैं आपको बताया था क्लियरली कि ये बार बार इसको कोशिश कर रहा है तोड़ने की, और मैं बोला था यहाँ पे कि ये फिर से तोड़ के बाहर निकलेगा। बट अगले दिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और मैंने एनालिसिस में आपको बोला भी कि यहाँ पे इतना अच्छा बाइंग सपोर्ट है और यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अभी भी बुलिश है और अपना रेजिस्टेंस पक्का तोड़ेगा। मैं उस दिन आपको बोला था, आप फ्राइडे का मेरा वीडियो, सॉरी थर्सडे का मेरा वीडियो देखिए जो मैंने शाम को डाला था, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि पिरामल में अभी भी मूवमेंट बचा है और अपना रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। और देखिए फ्राइडे को क्लियरली फर्स्ट कैंडल पे ये अपना ब्रेक कर दिया। सेम अगर मैं आपको बताऊं यूबीएल पे, तो यूबीएल में भी मैंने थर्सडे रात वाले वीडियो में यही बोला, जस्ट बिकॉज यूबीएल यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देकर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, बाउंस ले रहा है, तो मुझे मैं आपको बोला था कि ये अभी भी मेरे लिए बुलिश स्टॉक है। और देखिए अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्राइडे को ये फर्स्ट कैंडल पे इतना बड़ा मूव दिया, उसके बाद नीचे तो आ गया वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन आराम से ये देखिए अपना हाई जाके टच करके आ गया फर्स्ट कैंडल पे। तो ये एक कैंडल पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर मैं कोई स्टॉक दे रहा हूँ उसमें वो मूवमेंट ना आए तो फिर आप ज़रूरी नहीं है कि उसको फिर डिस्कार्ड कर दो या फिर साइड कर दो, रिजेक्ट कर दो। आप वो स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, उसमें 1, 2 या 3 दिन में तो वो बड़ा मूवमेंट आएगा। क्योंकि देखिए मैं मैरिको आपको 2-3 दिन से बोल रहा हूँ बार बार, मैरिको में अभी भी मुझे लग रहा है मूव पेंडिंग है। आप क्लियरली देखोगे तो छोटे जगह पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद बाहर आया और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे विक बना, मतलब वो इस एरिया पे वापस आना नहीं चाहता, मतलब बायर्स लोग का बराबर सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है मैरिको में अभी भी एक बड़ा मूवमेंट बचा हुआ है बाहर की तरफ। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में पक्का बताऊंगा अगर ये मूवमेंट आता है तो, और आप भी इसे अपने पक्के नज़र में रखिएगा। तो आई थिंक आज के लिए बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।